जी हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान सरकार के सलाहकार जो हैं डॉक्टर गोपी सुंदर जी। गोपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में। गोपी जी, दिल्ली में बर्ड फ्लू के केस कंफर्म हो गए हैं और दिल्ली जो पोल्ट्री मार्केट जो है वो बहुत बड़ा मार्केट है दिल्ली में। हालांकि पोल्ट्री बाजार जो है, मुर्गा मंडी बंद कर दी गई है, इसके बावजूद जो छोटी छोटी दुकानें हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो अलग अलग जगह हैं, वहां पर बहुत बड़ा पोल्ट्री स्टॉक मतलब अंडे और चिकन मौजूद है। तो इस सूरत में, चूंकि अब केस कंफर्म हो गए हैं, तो इस सूरत में दिल्ली वालों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए? इसमें तो गवर्नमेंट का आदेश का थोड़ा सा हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो लोकल वेंडर्स के साथ जाके टेस्टिंग नहीं करेंगे, कोई भी कंफर्मेशन से नहीं कह सकता कि या वो सेफ है या उसमें बर्ड फ्लू। तो जब तक वो कंफर्मेशन ना आ जाए, तो हम लोग एक दिशा का जो एक रिकमेंडेशन है हम लोग कन्फर्म है, उसके आसपास का जो लोग है वो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए अब, क्योंकि ये चीज जो जिस हिसाब से फैल रही है वो थोड़ा सा डेंजरस हो सकती है। यानी आपका कहना ये है कि इस समय अगर जो 15 दिन 10 दिन पहले जो पोल्ट्री अंडे या चिकन आया है उसको भी खाने पीने में एक एहतियात बरतनी चाहिए? उसका तो शायद, जैसे अंडे वंडे में तो इतना इजीली ट्रांसफर नहीं होता ये, तो उसमें तो रिस्क बहुत ही कम है। अच्छा, अंडों में रिस्क कम है? बहुत ही, अंडों में तो ये बहुत ही इजीली ट्रांसफर नहीं होता है जी। और लाइव तो देख के पता लगता है कि वो राइट। तो हमारा तो मानना ये है कि जो उसको बेचते हैं वो खुद जान जाएंगे कि अगर कोई बर्ड को डिजीज हुआ है तो उसको शायद वो नहीं बेचेंगे जी। अभी अभी दिल्ली को लेकर के जी, आप जी, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, राजस्थान में चूंकि हालात बहुत खराब है, आपने बहुत नजदीक से देखा है वहाँ पर, दिल्ली को लेकर के आपके पास क्या सूचनाएं मिली हैं? क्या दिल्ली में जो बर्ड फ्लू के मामले हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं? दिल्ली तो जैसे बहुत कंजेस्टेड है और पोल्ट्री का भी जो सिचुएशन वहाँ पे है बहुत ही कंजेस्टेड हो जाता है जी। तो वहाँ पे एक जगह में एक भी अगर वायरस कंफर्म हो गया तो ये मान के चलिए कि वहाँ पे काफी सारा पक्षियों में ये फैल गया होगा जी। तो उस तरह का जो कंजेस्टेड वाला सिचुएशन में कंट्रोल है इसको बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो इसकी हैसियत देखते हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर ले लिया है जी। बल्कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो पता नहीं है, मगर वो थोड़ा सा बर्ड्स का सेफ्टी देखते हुए और लोगों का सेफ्टी देखते हुए उन्होंने उसको सील कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही सही दिशा में दिल्ली गवर्नमेंट जा रही है। आप एक साइंटिस्ट भी हैं, आप अजमेर जो है वो अंडे की बहुत बड़ी मंडी है, क्या अभी भी वहाँ से बिक्री चालू है, वो मंडी चालू है या बंद कर दी गई है, क्योंकि वहाँ से दिल्ली भी माल आता है? हाँ नहीं, वो पूरा एरिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पूरा का पूरा जो है कॉर्डन कर दिया था। अभी भी शायद मेरे हिसाब से वो कॉर्डन ही होगा, वो सेक्शन 144 भी इम्पोज कर दिया था, और इसके वजह यही था कि थोड़ा सा मूवमेंट वगैरह जो उसका हो सकता था उसको बंद कर दिया जाए, और मैं समझता हूँ कि शायद ये अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। थैंक यू डॉक्टर गोपी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।